सावन के आखिरी सोमवार पर भक्तों में उत्साह, शिव मंदिर में लगा भक्तों का तांता, मंदिर में पहुंचकर जल अभिषेक कर रहे हैं लोग। गालीबाज नेता की गिरफ्तारी के लिए नोएडा पुलिस ने बनाई आठ टीमें, श्रीकांत त्यागी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की तैयारी, सोसाइटी में हंगामे पर भड़के सांसद महेश शर्मा। आज कानपुर कोर्ट में सरेंडर करेंगे मंत्री राकेश चचान, मंत्री के वकील कोर्ट से बेल की करेंगे मांग, अवैध हथियार केस में कोर्ट ने दिया है दोषी करार। आज आगरा दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, हर घर तिरंगा अभियान के लिए जागरूकता रैली को दिखाएंगे हरी झंडी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर में होंगे शामिल। अयोध्या अवैध प्लांटिंग मामले में नया मोड़, प्राधिकरण का लिस्ट जारी करने से इनकार, कहा गलत नाम डालकर लीक की गई लिस्ट, दोषियों पर होगी कार्रवाई। आगरा में भाजयू में शिविर का दूसरा दिन, 6 क्षेत्र और 98 जिला इकाई प्रतिनिधियों से हुआ संवाद। बागपत में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने निकाली पदयात्रा, सरकार से महंगाई कम करने की गुहार। सिद्धार्थनगर में एक ढाबे पर नकली पनीर की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, मौके से पनीर का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया। श्रावस्ती में चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार, आरोपी के कब्जे से 1 किलो चरस बरामद। उधम सिंह नगर के जशपुर क्षेत्र में पॉलीथीन के खिलाफ चेकिंग अभियान, पॉलीथीन रखने के जुर्म में लोगों के लिए चालान, जुर्माना भी वसूला। बागपत के सायदबाद कॉलेज में आईटीआई छात्रों ने कॉलेज के बाहर जाम कर हंगामा किया, आईटीसी एग्जाम का आयोजन में एडमिट कार्ड नहीं देने का आरोप। महोबा में चरखारी नगर में हजरत इमाम हुसैन की सवारी निकाली गई, हजारों की संख्या में लोगों ने शिरकत। चंदौली में ट्रक की चपेट में आई बाइक सवार दो चचेरे भाई, एक की मौके पर मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। मुक्केबाजों में भारत के खाते में एक और गोल, बॉक्सिंग में भारत की निखत जरीन को गोल्ड मिला। कॉमनवेल्थ गेम में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी, भारत की झोली में एक और पदक, जेवलिन थ्रो में अन्नू रानी ने कांस्य पदक जीता, मेरठ की रहने वाली अन्नू का शानदार प्रदर्शन, 2014 में एशियन गेम्स में भी जीता था कांस्य पदक। कॉमनवेल्थ गेम में बॉक्सर नीतू ने गोल्ड मेडल जीता, 48 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता, बॉक्सिंग में अमित पंघाल ने जीता गोल्ड, इंग्लैंड को हराकर अमित ने दिलाया गोल्ड। बॉक्सिंग में अमित पंघाल ने जीता गोल्ड, इंग्लैंड को हराकर अमित ने दिया गोल्ड। कॉमनवेल्थ गेम में बैडमिंटन में पीवी सिंधु का शानदार प्रदर्शन, बैडमिंटन के फाइनल में पहुंची पीवी सिंधु, सिंगापुर के खिलाड़ी को हराकर फाइनल में पहुंची।